भजन संहिता अध्याय 81। भजन संहिता अध्याय 81। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी टोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इसराइल भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया परमेश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं तुझे भर दूंगा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इसराइल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इसराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और वे सदाकाल बने रहते हैं, और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करूं।